हे गाइस, तो आज हमने बनाया है पाइनएप्पल रायता जो कि बहुत ही डेलिश बन के आया है। इसे अक्सर रेस्टोरेंट और पार्टीज में सर्व किया जाता है और इसे बनाना वाकई में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले लिया है और अब हम इसको विस्क करके एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको विस्क करने के लिए आप मिक्सी की ग्राइंडिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आप मिक्सी में इसको स्मूथ करने वाले हैं तो केवल एक या दो पल्स ही दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिक्सी में चर्न नहीं करना है, वरना क्या होता है, जो दही है वो हल्का हल्का सेपरेट होने लग जाता है और वो पतला हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि इसको स्मूथ करने के लिए आप किसी वायर विस्क या फिर वो जो लकड़ी वाली रई होती ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप किसी छलनी से इस दही को छान लीजिएगा और दही एकदम स्मूथ हो जाएगा। वैसे सही बताऊँ तो छलनी से छाना हुआ जो दही होता है वो ये वायर विस्क वाला जो दही होता है इससे भी ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो दही है बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट चुका है। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं या फिर आपका दही कितना मीठा या खट्टा है। मेरा जो दही है वो बहुत ही परफेक्ट है, तो इसलिए इसमें मैं केवल 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जिससे रेस्टोरेंट वालों का पाइनएप्पल रायता इतना टेस्टी बनता है, और ये है 1/4 टीस्पून काला नमक। मतलब आधा किलो दही में 1/4 टीस्पून काला नमक जादू कर जाएगा। इसे ज़रूर डालिएगा दोस्तों, नमक से सारे फ्लेवर्स बाहर निकल करके आते हैं आपके रायते के, और इससे आपका जो रायता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि चीनी तो ऐसे ही रखे रखे भी मिक्स हो जाती है। तो अब हम इसमें पाइनएप्पल के पीसेस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टिंड पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए हमने अपना दही भी कम मीठा रखा था। तो इस समय दोस्तों आप इसमें और भी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो ये आपका फ्रूट रायता बन जाएगा। तो इसको इस समय आप सर्व कर सकते हैं, मगर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में चेरीज भी डाली जाती है पाइनएप्पल रायते में। तो यहाँ पे आज मेरे पास चेरीज हैं भी तो मैं डाल दे रही हूँ। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, चेरीज आपको किसी भी अचार की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो चेरीज को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे और सर्व कर देंगे। एंजॉय।